नमस्कार लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। खबरों की शुरुआत करेंगे लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जातीय जनगणना पर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, क्या यूपी से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे नीतीश, जदयू का बड़ा बयान। बिहार में बढ़ते अपराध पर बोले कानून मंत्री, विजय सिन्हा का नीतीश कुमार को खुला चैलेंज। जदयू एमएलसी नीरज कुमार ने बीजेपी पर उठाया सवाल, प्रशांत किशोर का तेजस्वी यादव पर हमला। पटना हाईकोर्ट के फैसले के बाद दोबारा शुरू हुई जातीय जनगणना, पीएचईडी विभाग के अधिकारी के घर से भारी मात्रा में शराब हुआ बरामद। कटिहार में सड़क हादसे में 3 की मौत, बिहार के कई जिलों में बारिश का अलर्ट हुआ जारी। अब खबरें विस्तार से। जातीय जनगणना पर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया है। फेसबुक पर पोस्ट लिखकर उन्होंने बिना नाम लिए राजनीतिक दलों पर भी हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने कहा कि जब से जातीय गणना करवाने के लिए आवाज उठाई जा रही थी, ऐसी गणना करवाने के लिए प्रयास हो रहे थे, तब से कुछ राजनीतिक दल और जातिवादी लोग इसके विरुद्ध दुष्प्रचार में लग गए थे। उन्होंने प्रचारित करना शुरू कर दिया था यह केवल कमजोर वर्गों के हित में है, जबकि वास्तविकता इसके ठीक उलट है कि यह सभी वर्गों के सभी लोगों के हित में समान रूप से है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ने वाले हैं। कुछ दिनों से यह चर्चा हो रही है। इसको लेकर बिहार सरकार के मंत्री और जदयू के उत्तर प्रदेश चुनाव प्रभारी श्रवण कुमार ने कहा कि बिल्कुल चर्चा गलत चल रही है, ऐसी कोई तैयारी नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश की जनता यह जरूर चाहती है कि बिहार के मुख्यमंत्री वहां से चुनाव लड़े, लेकिन अंतिम तो पार्टी को ही तय करना है कि नीतीश कुमार कहां से चुनाव लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों के लोग यह कह रहे हैं कि नीतीश कुमार उनके यहां से चुनाव लड़े। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर बीजेपी का कहना है कि बिहार में गुंडा राज आ गया है। इसको लेकर जब बिहार के कानून मंत्री शमी महमद से पूछा गया तो उन्होंने कहा बीजेपी के पास अब कोई मुद्दा नहीं है, विधानसभा में जनता के एक भी सवाल नहीं रखे गए, बिहार में जो भी घटना हो रही है उसका लगाव कहां से है, किस कारोबार से लोग जुड़े हुए हैं, जिस कारोबार से जुड़े हुए हैं उस पर पुलिस नजर बनाए हुए है, जो भी दुस्साहस कर रहे हैं उस पर पुलिस की नजर पड़ी हुई है, जो भी दुस्साहस करेंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, उनको सलाखों के पीछे भेजा जाएगा, तुरंत स्पीडी ट्रायल कराकर उनको सजा दिलाया जाएगा। बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग जो आरोप लगा रहे हैं कि लोगों को घर से निकलने में डर लग रहा है, तो बीजेपी वाले जो इधर उधर घूम रहे हैं तो उनको घर में बैठ जाना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने नीतीश कुमार को खुला चैलेंज दे दिया है। नीतीश कुमार में हिम्मत है तो बिहार के किसी भी क्षेत्र से चुनाव लड़कर दिखाएं। चुनाव हारेंगे ही हारेंगे, 1 लाख से ज्यादा वोट से वो चुनाव हारेंगे, कोई ताकत नहीं बचाएगा। वहीं जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह पर भी उन्होंने प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि इनका सबसे बड़ा लाठी लठई करते हैं तो वो भी मुंगेर से चुनाव हारेंगे, वो भी वहां से नहीं जीत सकते। बिहार में जातीय आधारित गणना को लेकर जो फैसला आया है उसको लेकर सियासत गर्म है। इसको लेकर तमाम महागठबंधन के लोग खुश हैं, तो वहीं जदयू एमएलसी नीरज कुमार ने बीजेपी पर सवाल उठाया है, बीजेपी को दोहरा चरित्र वाला बताया है, कहा है कि साथ छुपते भी नहीं सामने आते भी नहीं, भाजपा नेता का दोहरा चरित्र है, फोटो भी खिंचवाते हैं, नाश्ता भी करते हैं, याचिका दायर करते हैं, यही उनका दोहरा चरित्र है, यही नहीं भाजपा बहुरूपिया है, जातीय गणना का समर्थन करने का झूठा नाटक दिखावा करते हैं। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव से जातीय जनगणना को लेकर बड़ा सवाल किया है। उन्होंने कहा कि दोनों से पूछना चाहिए कि आखिर इसका कानूनी अधिकार क्या है, अगर ये राज्य का मामला था तो पहले क्यों नहीं करवाया गया, सच्चाई तो यह है कि वो जातीय जनगणना है ही नहीं, दरअसल वो तो एक सर्वे है, उनको तो बस जातियों की राजनीति करना है ताकि सारा समाज बटा रहे। वही तेजस्वी यादव पर भी कहा कि सारा समाज अशिक्षित और अनपढ़ बना रहे हैं, सभी तो 9वीं फेल को आज लोग उप मुख्यमंत्री मानेंगे। बिहार के लोगों को समझने की जरूरत है, अगर गरीब के बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो कौन सा अनपढ़ों को नेता मानेगा।
बिहार में चल रही जातीय जनगणना पर पटना हाई कोर्ट ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट के फैसले के बाद अब गणना का काम फिर से राज्य में शुरू हो रहा है। इसके लिए सभी जिले के डीएम को आदेश जारी किया गया है। सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने एक आदेश जारी कर इसे दोबारा शुरू किए जाने की बात कही। आदेश में सभी जिले के डीएम को कहा गया है कि पटना उच्च न्यायालय के फैसले पर पारित आदेश के आलोक में बिहार जातीय आधारित गणना 2022 के अवरुद्ध कार्य को तुरंत शुरू किया जाए। भागलपुर में लोक स्वास्थ्य विभाग के अधीक्षक अभियंता के घर छापेमारी में भारी मात्रा में शराब बरामद हुआ है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि पीएचईडी विभाग के अभियंता के आवास पर विदेशी शराब की खेप लाई जाती है, जिसके बाद एसआई शक्ति पासवान के नेतृत्व में सीआईडी की विशेष टीम के द्वारा अभियंता के आवास पर परिसर पर छापेमारी की गई, जहां गार्ड रूम में भारी मात्रा में विदेशी शराब को बरामद किया गया। पुलिस अभियंता विजय कुमार के गार्ड अमरेंद्र पासवान और उसके सहयोगी छोटू उर्फ संतोष यादव को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। वह इस मामले को लेकर अब अधीक्षक अभियंता ने बताया है कि उन्हें इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। उनके आवास परिसर के भीतर इतनी मात्रा में शराब की खेप रखी गई है। बिहार में सड़क हादसे के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। इसको लेकर राज्य के अंदर शायद ही कोई ऐसा दिन गुजरता होगा जहां सड़क हादसों की वजह से लोगों की जानें नहीं जाती होगी। इसी कड़ी में ताजा मामला कटिहार से निकलकर सामने आया है, जहां सड़क हादसा में 3 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। बिहार में अगले 4-5 दिन तक अच्छी बारिश होने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने कैमूर, रोहतास, बक्सर और अरवल में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं भोजपुर, औरंगाबाद, नालंदा, नवादा और गया बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। पटना में मंगलवार की देर रात हुई झमाझम बारिश के कारण मौसम सुहाना हो गया। उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार राज्य के अधिकतर जिलों में 5 अगस्त तक भारी बारिश होने की पूर्वानुमान लगाया गया है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, फेसबुक पेज को लाइक कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।